अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटरसिटी मोबाइल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ कोई टूल नहीं शेयर करने वाला। जो लोग क्रैक डाउनलोड करते हैं और उनसे काम चला रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि हमने एक ऑनलाइन फ्लैशिंग का सिस्टम जारी किया है। ठीक है, इसमें हमारी टीम्स के मेंबर शामिल हैं और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मतलब अब नोकिया के काफ़ी सारे मोबाइल हैं और भी जितने SPD के मोबाइल हैं, अनलॉकिंग के लिए या फ्लैशिंग के लिए आपको क्रैक में से आप नहीं कर पाते हैं। लॉक तो खैर हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे मोबाइल हैं जिनको आप मतलब अनलॉक नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपके साथ एक मेथड शेयर करने वाला हूँ, जिसे पोर्ट शेयरिंग कहते हैं या ऑनलाइन फ्लैशिंग भी कहते हैं, ऑनलाइन अनलॉकिंग भी कहते हैं। तो फ्रेंड, इसमें होता क्या है, सिंपली आपका PC, आपको अपना PC शेयर करना होता है और उसके बाद एक USB रीडायरेक्टर होता है, उसके ज़रिए पोर्ट शेयर किया होता क्या है, आप जस्ट सिंपली से USB रीडायरेक्टर के ज़रिए रीडायरेक्ट हो जाते हैं, अपना पार्टिकल जो भी पार्टिकुलर होता है सॉफ्टवेयर वो ओपन कर लेते हैं और वहाँ से अपना काम कर सकते हैं पोर्ट शेयरिंग से। अगर इसकी कीमत भी बहुत ही मुनासिब होती है, थोड़े से मतलब चार्जेस होते हैं, आप अपना काम क्लियर करके जा सकते हैं। और अगर ऑनलाइन अनलॉकिंग की बात कही जाए तो ये पोर्ट शेयरिंग की नस्बत थोड़ा सा होता है, लेकिन इनकी भी कीमत बहुत ही मुनासिब है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उल्टा कुछ ना कुछ बच जाएगा अगर आपके कस्टमर का मोबाइल है, आपका अपना है तो मार्केट के हिसाब से कम ही होती है। तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती हैं। एक तो सबसे पहले आपके पास PC, कंप्यूटर, लैपटॉप होना चाहिए, उसके बाद टीम वीवर, USB रीडायरेक्टर, इन सब के लिंक यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन सब के लिंक हैं। उसके बाद USB मोबाइल केबल जो हर किसी के पास होती है, और उसके बाद फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, यानी 250 KB से ऊपर की स्पीड होनी चाहिए, यानी मोबाइल नेट हो उसकी अच्छी स्पीड होती है। DSL जो PTCL का है वो भी अच्छी गुजारे लाइक स्पीड देता है, अगर 2 MB से ऊपर का आपका पैकेज है तो। उसके बाद यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं या जिनके UMP Pro इसकी जो होता है वो आपको उधर से ही मिलेगा, नोकिया बेस्ट के आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे और एवेंजर्स के आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जब आप रابطہ करेंगे, रابطہ करने से पहले एक बात याद रखें, आपको एक बात का ख्याल रखना है, वो बात ये है कि आपने अपना मोबाइल PC के साथ लगाकर, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने सिंपली प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और डिवाइस मैनेजर पे चले जाना है और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे या कहीं पे भी आपका मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर पोर्ट दिखा रहा है कनेक्ट हो रहा है तो फिर तो आप बेशक रابطہ करें इनसे। इनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूँ, ये हमारी टीम है, तो आप इनसे رابطہ करके ऑनलाइन करा सकते हैं काम। ठीक है, अगर आप खुद एक टेक्नीशियन हैं तो फिर आपको इनसे ज़रूरत नहीं है, आप पोर्ट ले लें थोड़ी देर के लिए और अपना काम करके बस। ठीक है, तो वो आपको बेस्ट रहेगा। अगर आप अनजान है, नहीं कर सकते, तो फिर आपको ऑनलाइन करवा सकते हैं अनलॉक। ठीक है, बहुत सारी डिवाइस आ जाती हैं इसमें, हवावे की मतलब जो होती हैं हमारे यहाँ 3G 4G जों की पाकिस्तान में, और इस तरह दूसरे मुल्कों में भी होंगी, तो वो भी आप करवा सकते हैं, अनलॉकिंग करवा सकते हैं उनकी, यानी आल से में वर्क करें तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने इनसे रابطہ कर लेना है। ठीक है, और हाँ, आपने रابطہ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपने अपने मोबाइल या डिवाइस का नाम लिखना है और वो सेंड कर देना है ना, और साथ में अपनी कंट्री भी या अपना मतलब एरिया, जो भी आपका एरिया है वो सेंड कर देना है, तो आपको जवाब जल्दी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको जो ही मिलेगा आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है, आप कर लें, और उसके बाद आपका PC जब शेयर हो जाएगा तो USB रीडायरेक्टर के ज़रिए आपके काम हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा ये काम नहीं हो सकता। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जितनी भी वीडियो थी ये सारी इंटरसिटी मोबाइल की तरफ से पेश की गई थी। ये वीडियोस पे अपलोड इसलिए नहीं की गई कि उसका पासवर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं रिकवर कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो बाद में इंशाल्लाह, और इसलिए ये वीडियो यहाँ पे पोस्ट की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।